हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे मैंने दे दिया है। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, देखिए, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पिडिस्टल। तो यहां पर देखिए एक पिडिस्टल है और उस पिडिस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू रखा गया है। तो पहले तो यहां पर हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर पहले तो यहां पर हम लोग एक पिडिस्टल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए ये एक पिडिस्टल है और इस पिडिस्टल के ऊपर एक यहां पर स्टैचू है। तो ये एक स्टैचू हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक स्टैचू है और इस स्टैचू का लंबाई दिया गया है आपका 1.6 मीटर। तो यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने सी दे दिया। यहां पर ए बी क्या है, यहां पर ए बी है हमारा स्टैचू और बी सी क्या है, बी सी है हमारा पिडिस्टल। उसके बाद क्या बोल रहे थे, उसके बाद बोल रहे थे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां पर ग्राउंड में एक पॉइंट है तो ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने डी दे दिया और इस पॉइंट को हम लोग सी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर सी से हम लोग कनेक्ट कर दिया। अभी बोल रहे हैं देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ये जो डी पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। दैट मींस ये जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप मतलब ये ए पॉइंट, ये पॉइंट आपका इस डी पॉइंट के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ये ए पॉइंट इस डी पॉइंट के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद बोल रहे देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब ये डी पॉइंट का बात किया जा रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिडिस्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिडिस्टल, आप पिडिस्टल का टॉप कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट जो है ये आपका पिडिस्टल का टॉप है। पिडिस्टल का टॉप जो पॉइंट है बी, ये बी पॉइंट आपका डी के साथ, तो ये बी पॉइंट डी पॉइंट के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपका 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। हमें क्या निकल रहा है, देखिए हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पिडिस्टल, पिडिस्टल का हाइट निकल रहा है और हमारा पिडिस्टल क्या था, यहां पर बीसी हमारा पिडिस्टल था, तो यहां पर हम लोगों को लेंथ ऑफ बीसी निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम जो हम लोगों ने क्या किया, जो एज्यूम जो जो किया वो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द स्टैचू, लेट ए बी बी द स्टैचू, लेट ए बी बी द स्टैचू, बी सी बी द पिडिस्टल, बी सी बी द पिडिस्टल, एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम व्हेयर द एलिवेशन एंगल्स, फ्रॉम व्हेयर द एलिवेशन एंगल्स आर टू बी मेजर्ड, आर टू बी मेजर्ड। तो जो जो हम लोगों ने एज्यूम किया ये यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोगों के पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका बीसीडी और दूसरा ट्रायंगल है आपका एडीसी। तो ये दो ट्रायंगल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल बीसीडी के ऊपर काम कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल बीसीडी, फ्रॉम ट्रायंगल बीसीडी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम ट्राइंगल बीसीडी देखिए ये जो एंगल डी है, ये एंगल का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो ये एंगल लेके हम लोग काम करेंगे। तो ये एंगल लेके जब हम लोग काम करेंगे, इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा आपका पी, मतलब बीसी हो जाएगा आपका पी, सीडी हो जाएगा आपका बी
और बीडी हो जाएगा आपका एच। तो यहां पर हम लोग देखिए साइन 45 डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन 3 इज इक्वल टू पी बाई एच। तो यहां पर देखिए एच पी तो पता नहीं है, यहां पर एच भी पता नहीं है, तो साइन थीटा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कॉस 45 डिग्री अगर हम लोग लगाएंगे तो उस केस में कॉस 3 इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी भी पता नहीं है, एच भी पता नहीं है, इसीलिए कॉस 45 डिग्री लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 10 45 डिग्री लगा देंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू पी बाई बी। यहां पर देखिए पी क्या है बी सी और बी क्या है सी डी, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ऊपर में BC और नीचे हम लोग लिख लेंगे CD। अब 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू BC बाय CD। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे तो CD इंटू 1 ये हो जाएगा आपका CD इज इक्वल टू BC। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अभी यहां पर हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल मतलब ADC ट्राइंगल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे अगेन फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू। तो यहां पर 1060 डिग्री देखिए ये जो एंगल है ये पूरा एंगल लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब ये पूरा एसी हो जाएगा आपका पी, सीडी हो जाएगा आपका बी और एडी हो जाएगा आपका एच। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो यहां पर पी मतलब यहां पर ऊपर में हो जाएगा आपका एसी और बी मतलब सीडी, तो नीचे हो जाएगा आपका सीडी। दिस इंप्लाइज 1060 डिग्री। अभी 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1060 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3, तो √3 लिख लिया इज इक्वल टू ऊपर में देखिए एसी। अभी यहां पर हम लोग एसी को क्या लिखेंगे, एसी को हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। यहां पर देखिए एसी मतलब पूरा लेंथ, तो इस पूरा लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी और नीचे देखिए सी डी है। अब सी डी इज नथिंग बट क्या, सी डी इज नथिंग बट बी सी, तो यहां पर आप लोग बी सी को चेंज कर सकते हैं या सी डी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर बी सी चाहिए इसीलिए यहां पर हम लोग बी सी को रख लेते हैं, सी डी को यहां पर चेंज कर लेते हैं। तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी के प्लेस में हम लोग बी सी लिख सकते हैं, तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया बी सी, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बाय इक्वेशन वन और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर क्रॉस करेंगे तो √3 इंटू बी सी, तो ये हो जाएगा आपका √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। दिस इंप्लाइज √3 बी सी इज इक्वल टू, तो देखिए ये जो बी सी है इस बी सी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। अभी देखिए लेफ्ट साइड में बीसी कॉमन है तो यहां पर हम लोग बीसी को कॉमन ले लेते हैं। बीसी को कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग रहेगा आपका √3 - 1 इज इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है देखिए 1.6, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 1.6। तो यहां से देखिए बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 और √3 - 1 जब हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये नीचे जाएगा √3 - 1। तो यहां पर देखिए बीसी का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो बीसी का वैल्यू आ गया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अभी बुक में ये आंसर नहीं दिया गया है, बुक में इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दिया गया है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन मतलब √3 - 1 नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग √3 + 1 इसका ऑपोजिट साइन वाले जो टर्म है √3 - 1 का ऑपोजिट साइन वाले टर्म क्या हो जाएगा √3 + 1। इस √3 + 1 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए √3 - 1 है, हम लोग क्या करेंगे √3 + 1 से यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 + 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए ऊपर में देखिए 1.6 इंटू √3 + 1। अब नीचे यहां पर देखिए a - b इंटू a + b फॉर्म में आया है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला होता है आपका a² - b², तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगा देंगे। तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होगा, a² - b² मतलब यहां पर a क्या है √3, तो √3² माइनस b क्या है 1, तो -1² यहां पर मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू ऊपर में है आपका 1.6 इंटू
रूट थ्री प्लस वन, और नीचे देखिए यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे यहां पर रह गया है आपका थ्री, और यहां पर वन स्क्वायर मतलब वन हो जाएगा, और थ्री माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू, टू से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर टू से जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर आ गया 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और ये आंसर आपका बुक में दिया गया है। दैट मीन्स यहां पर बीसी मतलब हाइट ऑफ द पिडिस्टल, हाइट ऑफ द पिडिस्टल का वैल्यू आया है रूट थ्री प्लस वन इंटू 0.8, और यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो देयरफोर हाइट ऑफ द पिडिस्टल, हाइट ऑफ द पिडिस्टल इज 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।